भाई लोग, हम यहाँ पर नॉक हो चुके हैं। क्या हम बच पाएंगे? और हमारे चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं। क्या हम बच पाएंगे या फिर हमारी पेटी बन के रह जाएगी? जानने के लिए देखिए यही वीडियो। तो हाय एनएनए आर्मी, वैसे एनएनए आर्मी नया नाम है तो मैंने आप लोगों को दिया है। तो फिलहाल हम यहाँ पर सिंह डेल्टा पे उतरे और खेल रहे हैं पबजी के 1.5 साल के बच्चे के साथ। तो देख लो ना भाई कितने बंदे उतर रहे सिंह डेल्टा पे। तो प्लेन का रूट फिलहाल यहीं से जा रहा था। तो इस मैच में बहुत ही गलत सीन होने वाले हैं, मतलब बहुत ही तगड़े वाले गलत सीन, जिसमें कभी कभार हमारा फ़ोन फ्रीज़ भी हो जाता है भाई, तो हमारी पेटी बनते बनते रह जाती है। तो गाइस हम यहाँ पर सस्ती लूट करते हैं और बंदे को ठेलाने निकल जाते हैं। और भाई ये भाई तो एकदम अपनी अलग चौड़ में निहत्ते भाग रहे हैं भाई। वैसे हमारी स्क्वाड यहाँ उतरी थी, आई मीन ट्रायो यहाँ उतरी थी, तो डर के भाग गए होंगे। तो फिलहाल हम इनकी पेटी बनाए थे। अभी आगे से और मुझे मतलब शूट्स आ रहे हैं तो उन्हें भी पेलेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ और बंदे उतरे हैं तो उन्हें भी पेल के हम निकलेंगे। Enemies ahead. Enemy down. तो भाई मैं ये भाई सबको तो फिलहाल पेल देता हूँ। तो इनका टीममेट हमें लेफ्ट साइड से फायरिंग दे रहा होता है, आप देख सकते हैं, तो उन्हें भी पेलेंगे। तो भाई ये भाई को पेलने के बाद इनके सामने वाले घर में मुझे एक बंदा स्पॉट होता है। तो भाई हम फिर भी अपनी एक अलग चौड़ में लूट रहे होते हैं, तो भाई हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड से कुछ डैमेज पड़ता है। तो भाई ये भाई सबको तो हम फिलहाल फेल देते हैं। तो अभी मुझे कुछ यहाँ वहाँ से शूट्स आ रहे थे और भाई इस मैच में तो मुझे ज़्यादा हीलिंग भी नहीं मिल रही थी भाई, पता नहीं मुझे भी, मुझे तो एकदम उम्मीद ही छूट गई थी भाई कि मैं चिकन डिनर कर पाऊँगा कि नहीं। फिर भी हम ऐसा तैसा करके चिकन डिनर कर ही लेते हैं। तो फिलहाल अब आगे का गेम प्ले इन्जॉय कीजिए। तो भाई ये भाई तो अपने आप को कुछ ही समझ लेते भाई, डैमेज दिया क्या, मतलब हमें मारने आ जाएंगे भाई, क्या समझाए भाई, मुझे मजाक समझ कर रखा है। और फिलहाल सामने की तरफ एक नॉक बंदा मुझे दिखता है तो उसकी भी किल हम चोरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर और बंदे होते हैं, देख सकते हैं आप मुझे कितना डैमेज पड़ा है, तो उन्हें भी पहले। तो भाई लोग ये भाई को पहनने के बाद मुझे पीछे से भी बहुत ही तगड़ा डैमेज पड़ता है भाई ब्रिज के स्नाइपर टावर से। वो स्नाइपर टावर से मार रहा, इनका अच्छा स्कोप भी नहीं है, कार्नर लीड ने तो मैं उठा लेके मार दूंगा। हां एक बच्चे में। तो भाई फिलहाल सीन ये हुआ कि भाई वो जो स्नाइपर टावर का बंदा था कार के सेट पे चले गया है और भाई वो स्नाइपर टावर का बंदा हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाला है गाइस। आगे देखना अभी, और आगे बहुत ही सस्ते नशे होने वाले हैं मेरे फ़ोन के साथ। तो भाई लोग आप सोच रहे होंगे मेरी स्क्रीन की फ्यूज़ हो गई। भाई ये एक नई टाइप की बीमारी निकली है अलग अलग फ़ोनों में, जो कि बहुत ही करोना वायरस भी बहुत ही ख़तरनाक है, तो ये हमारे फ़ोन को एकदम से फ्रीज कर देती है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने फ़ोन को पटक रहा होता हूँ बहुत बुरा बुरा, आप देख तो नहीं सकते फ़िलहाल। तो खैर हम ये पार्ट स्किप कर देने वाले हैं, यही सस्ते नशे होते रहते हैं हमारे फ़ोन के साथ। तो भाई लोग खैर हमारी स्क्रीन तो फिक्स हो चुकी है और लैग बहुत ही तगड़ा हो रहा है, तो सामने कोई और बंदा होता है तो हम उसे पेल देते हैं। और भाई जब मैं यहाँ पर आके देखता हूँ तो भाई बंदा एकदम से गायब ही हो जाता है, पता नहीं किधर चला जाता है। और भाई आगे ज़्यादा दिक्कत देने वाला है भाई हमारे को, ये वही बंदा है जो स्नाइपर टायर की तरफ था।
तो भाई हम यहाँ पर नौ को चुके हैं, आपको तो पता ही होगा ये हमारा बहाना टाइम है, तो मैं बहाना ये देता हूँ। नहीं भाई मेरे फ़ोन बहुत ही लैग हो रहा था। हाँ भाई मुझे भी पता है मेरा फ़ोन लैग नहीं हो रहा था। तो फिलहाल हम वो बंदे को एकदम से ठिला देते हैं और हमारे टीममेट को रिवाइव दे देते हैं। तो भाई टीममेट को रिवाइव करके हम यहाँ पर बैंडेज वंडेज फेल रहे थे, और भाई हमें यहाँ पर नई किस्म का सांप दिखता है। तो भाई हम यहाँ पर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तो भाई ये आपने भाई को देखा, भाई इसे कहते हैं भाई रोड वाला सांप, मतलब ये रोड में छेद करके रहता है भाई, रोड के बीचों में छेद करके, मतलब कि क्या है भाई ये रोड के बीच में, मतलब ऐसा कौन लेता है भाई, इतना ओपन में कोई भी आकर ठिला जाएगा। तो खैर फिलहाल हमको यहाँ पर एड भी मिलती है, तो आगे उससे भी मतलब कितने हेडशॉट्स देखने को मिलेंगे, तो आगे देखते रहना गाइस। बहुत ही इंटेंस फाइट होने वाली है, पता नहीं कैसी बहुत ही गलत सीन के साथ फाइट होने वाली है। तो भाई लोग हम यहाँ पर पिक कर रहे होते हैं एडब्ल्यू एम विथ होलो, तो फिलहाल मैं M4 निकाल के मार देता हूँ ये बंदे को। तो भाई हम इतने बड़े ढीठ इंसान हैं कि हम AWM पे स्कोप नहीं मिला तो भाई होलो लगा के चला लेंगे। तो मैं बोलता हूँ भाई इसके ऐसे की तैसी पीक नहीं कर रहा है बंदा, निकालो M4 पेल दो। तो फिलहाल मेरे कहीं स्कोप नहीं था, तो मैं अपने टीममेट से बेशर्मन की तरह मांग लेता हूँ और यहाँ से निकलते हैं भाई। अब फिलहाल जोन भी आने आ रहा होता है, तो हेल्थ के नाम पर कद्दू कुछ नहीं होती है हम लोग के पास, तो एटेक्स ले लेते हैं और यहाँ से ऐसा तैसा करके कैसा कि निकल लेते हैं। तो फिलहाल भाई लोग हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो भाई आपने ऊपर की साइड पे देखा भाई ग्लिच, भाई मेरे फ्रैग व्रैग कुछ भी नहीं कहा फिर भी बता रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर भाई ये देखना भाई पबजी कह रहे कि गलत सीन के नशे। तो भाई यहाँ पर फिलहाल एक बंदा होता है भाई, तो हम उसे हेडशॉट मारने की ट्राई करते हैं। तो भाई ये हेडशॉट कैसे नहीं लगा भाई मुझे समझ नहीं आता है भाई, देखना भाई इतने हेडशॉट फेलता हूँ भाई फिर भी वो बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, मतलब नॉक ही होने का नाम नहीं ले रहा। तो फिलहाल हम उसे डैमेज देते, तो सामने की ओर से एक बंदा कार्नेडिएट के चटका रहा होता है, तो फिलहाल उसे भी देखते हैं। हम यहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं उसे, फिलहाल वो हमें मिलता नहीं है, तो आगे देखते हैं ना गाइस। एनिमी डाउन। तो भाई लोग ये दो भाई साहब तो अपने अलग ही गलत सीन में थे, मतलब कि भाई एक बंदा पीछे रह के मुझे डैमेज देना है, तो मैं उसे फिलहाल फेक वाला तुक्के वाला एकदम टाक के हेडशॉट मारता हूँ। और दूसरा बंदा भाई क्रॉस बो रिलोड कर रहा है, मतलब कि भाई क्या गलत सीन हो गया, मतलब एक गन भी नहीं थी क्या भाई उसका। तो फिलहाल हम दोनों को हेडशॉट चिपका देते, तभी मुझे मालूम पड़ता है कि लेफ्ट साइड में एक दो बंदे बैठे हुए, मैं पता नहीं आज क्या बोल रहा हूँ, दो बंदे बैठे हुए, तो फिलहाल वो मुझे डैमेज देते, तो हम ऐसा तैसा करके कुछ भी कर लेके बच जाते हैं। तो भाई लोग हम यहाँ पर नॉक हो चुके हैं। हाँ आपको भी पता है मुझे भी पता है बहाना टाइप। तो मेरा बहाना ये है कि पता नहीं वो बंदा किधर था, मतलब हैक लगा के बैठा था। हाँ मुझे मालूम है, मैं बहाना दे रहा हूँ, पता नहीं भाई वो बंदा किधर से पेल गया है। तो भी मुझे मालूम पड़ता है कि भाई पीछे के साइड पे बंदा है, तो उसे भी पेल देते हैं हम। और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे बंदे हैं वो हमें अभी मालूम पड़ता है, क्योंकि मेरे टीममेट को वहाँ से डैमेज पड़ता है। तो देखना भाई फिलहाल हेल्थ के नाम पे हमारे पैर कद्दू कुछ नहीं है, सामने की तरफ ड्रॉप हो रखा है और लेफ्ट साइड पे बंदे बैठे हुए हैं, देखेंगे कैसा पेलते हैं अब उन्हें। एनिमी डाउन। एनिमी। तो भाई लोग पहले तो हमारे कन हेल्थ के नाम पे कद्दू कुछ नहीं है, ऊपर से हम यहाँ पर नॉक होते जा रहे हैं। तो भाई अब मेरी फिर चुकी है भाई, देखना आखिरी जोन में बंदे से बदला ज़रूर लेंगे। तो फिलहाल वहाँ पर दो बंदे बैठे हुए थे, तो हम यहाँ पर फिलहाल रिवाइव होते हैं और मैं अपने हेल्थ की परवाह नहीं करता हूँ, दूसरे बंदे को पेलने निकल जाता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़े बैंडेज पिलाता हूँ, पता नहीं कब मुझे पेल के चले जाए। तो वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ होता है भाई, मेरे टीममेट को शॉट्स दे रहा होता है, मेरा टीममेट बताता है वहाँ बंदा है। तो फिलहाल मुझे उसका सर दिख जाता है और भाई पेल देते हैं उसे।
तो भाई ये भाई साहब को नॉक करने के बाद यहाँ पर जोन भी शुरू होता है। तो मैं देखता होता हूँ कि उसका टीममेट तो वहाँ नहीं है, पर वहाँ टीममेट तो नहीं होता है फिलहाल सामने की, और बंदों को मेरा टीममेट AWM से मार देता है। तो भाई सामने के बंदों को हम डैमेज देते हैं, पर भाई वो बंदा ठिलता नहीं है पता नहीं क्यों। तो फिलहाल जोन भी यहाँ रखा हुआ है सामने की, और एक M249 लेके बंदा बैठा हुआ है, देखना भाई उसे कैसा पेलेंगे हम। तो भाई ये भाई साहब के अलग सीन हुए होते तो खैर शुक्रिया। मैं अपने टीममेट को बोलना चाहता हूँ कि वो मुझे पेलने ही वाला था, तभी मेरा टीममेट सामने आ चुका था। तो उसका भी चैनल, भाई दोनों के चैनल की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल अभी एक बंदा अलाइव हुआ होता है भाई का, पूरे जोन से ठिल जाते हैं वो, हम ही ठिलाते हैं उन्हें। तो वो बंदे को जल्दी से जल्दी ड्रॉप शॉट पेल के और साइड में हट के पेल के हम ये बड़े से वेयर हाउस में आ जाते हैं। और भाई वो जो विशु गेमर था ना, उससे भी बदला लेने का टाइम आ चुका है। तो भाई मुझे वो विशु गेमर स्पॉट हो चुका है, तो अब हम उसे पेलने वाले हैं AWM का हेडशॉट। हाँ हाँ भाई मुझे भी मालूम है, वो तुक्के पे लगा भाई मेरा हेडशॉट, मुझे भी मालूम है। पर खैर छोड़ गई, यहाँ हो जाता है हमारा चिकन डिनर। और भाई अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वो M249 वाले बंदे के सीन के साथ, पता नहीं बंदा था कि बंदी, तो उसे तो हम पेल देते हैं ड्रॉप शॉट देके। तो गाइज अगर आपने ड्रॉप शॉट या फिर कैसा भी भाई AWM का हेडशॉट पेल किया, अगर वो लाइक को नहीं पेला तो गाइज प्लीज़ पेल दो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। तो हम ऐसे ही डेली वीडियोस लाते रहेंगे मस्त मस्त सस्ती कमेंट्री के साथ। तो फिलहाल मैंने अपने टीममेट्स के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा उन्हें और उनके कमेंट्स में स्पैम कर दीजिएगा #NNAGaming। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।